स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एक ऐसा शानदार इंडेक्स है जिसने हाल ही के भारी गिरावट के बावजूद दिए हैं पिछले एक साल में तकरीबन 63% के शानदार रिटर्न्स एक बेहतरीन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ में। तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बेहतरीन रिटर्न्स का फायदा लेने के लिए कौन सा बेस्ट ETF बाजार में मौजूद है, जानेंगे इस वीडियो में। वैसे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के लिए अभी तक तो केवल एक ही ETF मौजूद था, HDFC का, पर मार्च में ही मोतीलाल ओसवाल का एक नया स्मॉल कैप 250 ETF भी लिस्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ETF को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि कौन सा है बेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देता है बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले तो आप ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का डेली चार्ट देखें और यहाँ पर आप मार्च एंड में हुई भीषण गिरावट को देख सकते हैं जो तकरीबन 15,500 के हाई से 13,250 तक आ गया था, पर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया और फिर कुछ सेशंस में ही ये करीबन 1500 पॉइंट से ऊपर की ओर आ गया है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स वोलेटाइल तो है पर इसमें रिकवरी भी काफी फास्ट आती है। तो अगर किसी ने इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तब गिरावट पर घबराना नहीं है और लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है बेस्ट रिटर्न्स पाने के लिए। देखिए, वैसे भी अगर आपने किसी ETF में इन्वेस्ट किया है तब वह इतना तो नहीं गिर जाएगा कि जीरो हो जाए, क्योंकि इस इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं और अगर बहुत सारे गिरते हैं तब कुछ बढ़ते भी तो होंगे। ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वह शुरुआती लार्ज कैप निफ्टी 100 और मिड कैप 150 के निकालने के बाद के जो 250 स्टॉक्स बचते हैं उनका इंडेक्स है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंडेक्स प्योर स्मॉल कैप नहीं है। कैसे, बताऊंगा आपको आगे। अब अगर आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के सेक्टर पर नजर डालें तब आप देखिए कि ये काफी अधिक डाइवर्सिफाइड है जिसमें तरह तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं जो कुल पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। रिटर्न्स के फ्रंट पर जरा देखिए कि पिछले एक साल में तकरीबन 64% के रिटर्न्स, 5 साल में 22.5% के रिटर्न्स इस इंडेक्स ने दिए हैं जो काफी शानदार है। अब आप यहाँ एक चीज देखिए कि मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप के क्रैश वाली अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्च तक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो PE रेशियो था वह तकरीबन 30 तक चला गया था, जबकि इसका एवरेज PE रहता है करीब करीब 22 का। तो करेक्शन होने के बाद इसका PE रेशियो भी डाउन हुआ और अभी ये काफी अट्रैक्टिव हो गया है। अब जब क्वार्टर वन के अर्निंग्स आएंगे और अगर वह अच्छे रहते हैं तब इस इंडेक्स का PE रीरेट भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्स काफी डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में करीब करीब 4% लार्ज कैप, 70% मिड कैप और लगभग 26.5% स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। यानी ये इंडेक्स एक प्रकार से मिड कैप हैवी है पर इसमें लार्ज भी है, मिड भी है और स्मॉल तो है ही। तो ये जो इन तीनों मार्केट कैप्स का ब्लेंड है ना, वही बेस्ट है। तो बात करें सबसे पहले लिस्टेड स्मॉल कैप 250 ETF की, जिसका नाम है HDFC SML 250 ETF और यही इसका NSE कोड भी है। तो इस ETF को एक साल से अधिक हो चले हैं और इस ETF ने अपने इंडेक्स को भी बीट किया है। ये काफी शानदार है। आप देखिए कि जहां पर पिछले एक साल में इंडेक्स ने तकरीबन 63-64% के रिटर्न्स दिए पर HDFC स्मॉल कैप 250 ने 67.8% के रिटर्न्स दिए। 6 महीने में भी इसने इंडेक्स को बीट ही किया है। पर यहां इस ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना काफी आवश्यक हो जाता है जो आ रहा है तकरीबन 5.25 लाख के आसपास, जो काफी बढ़िया है। मतलब इस ETF में इन्वेस्टर्स काफी अधिक रुचि दिखा रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस ETF का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़िया है, करीब करीब 263 करोड़ का। वैसे अभी तक तो HDFC स्मॉल कैप 250 इकलौता ही स्मॉल कैप ETF था मार्केट में, पर पिछले ही महीने मोतीलाल ओसवाल का नया स्मॉल कैप 250 ETF इसे टक्कर देने आ गया है। तो आइए देखें कि MO स्मॉल 250 ETF का वॉल्यूम लिस्टिंग के बाद कैसा रहा है। तो आज का ये डेटा देखिए कि यहाँ पर MO स्मॉल 250 ETF का वॉल्यूम तकरीबन 1 लाख के आसपास आ रहा है और अभी इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब करीब 6.25 करोड़ के आसपास। पर एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि जब से मोतीलाल ओसवाल के इस स्मॉल कैप 250 ETF की लिस्टिंग हुई है यानी 21 मार्च से, तब से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ ही रहा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स इसमें धीरे धीरे रुचि दिखा रहे हैं। मैंने नोटिस किया था कि लिस्टिंग के बाद में ही इसका वॉल्यूम तकरीबन 18,000 से 20,000 के आसपास आ रहा था, पर अभी देखिए अभी वह बढ़ते बढ़ते लगभग 1 लाख को टच कर रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से अभी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 ETF को कुछ समय
और ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। पर हाँ, HDFC स्मॉल कैप 250 ETF अब तक तो काफी सीजन्ड हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट बात और देखिए, जो बिड आस्क स्प्रेड से रिलेटेड है, यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप 250 ETF में ये बिड आस्क स्प्रेड कम है, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पर अभी MO स्मॉल 250 ETF में बिड आस्क स्प्रेड अधिक है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। बिड आस्क स्प्रेड किसी ETF के लिए क्यों होता है जरूरी, जानिए इस वीडियो में।